Welcome to VARNAN Learning online classroom program. Today we will discuss about the oxidative phosphorylation concept. मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुकी हूँ ग्लाइकोलिसिस एंड बायोकेमिस्ट्री की और भी जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बीटा ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट की, और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स में मैंने बार बार आपको बताया था कि जो भी वहाँ पे लाइक FADH2 हो रहा था, वहाँ पे जब प्रोटॉन का गेन हो रहा था, प्रोटॉन का लॉस हो रहा था, तो FADH2 की बात की थी, NADH2 की बात की थी कि FADH2 में कन्वर्ट होता है. तो वहाँ पे मैंने आपको साइड में ये भी बताया था कि जो FADH2 था उसको कहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP. तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कॉन्सेप्ट की, वहाँ पे कैसे ATP का सिंथेसिस फाइनली हो रहा है. हमें पता है ये क्या है, ETC हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ओके, यहाँ पे मैं सिर्फ आपसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाला कॉन्सेप्ट की ही बात करूँगी, केमियोस्मोटिक थ्योरी को मैं यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ, बिकॉज वो जो केमियोस्मोटिक कॉन्सेप्ट है दैट शुड बी एक्सप्लेन डिफरेंटली. और इसी के साथ मैं कोई इनहिबिटर्स की भी बात नहीं करूँगी, बिकॉज मेरा अभी बस प्लान है कि आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दी जाए अबाउट द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बिकॉज दीज आर क्वाइट शॉर्ट वीडियोज. और इसके लिए अगर आपको पूरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जानना है तो इसके लिए पूरा एक होल लेक्चर लाइक हमें 1 आवर का डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है. यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता क्या है. एज इट्स नेम इंडिकेट, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पे क्या है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, अल्टीमेटली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP, इट मीन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड हो रहा है. यहाँ पे क्या है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की ये मेम्ब्रेन है, हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड बायलेयर होती है. यहाँ पे हाइड्रोफोबिक होती है, जो हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स होते हैं वो इनसाइड होते हैं, हाइड्रोफिलिक होता है वो बाहर होता है. ओके, तो ये हमारा क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बायलेयर, ओके, बायलिपिड लेयर. ये है इनर मेम्ब्रेन और ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, बिकॉज दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. एज वी नो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मैट्रिक्स है. तो ये इनर मेम्ब्रेन हुआ और ये क्या हुआ, इसके बीच का इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. और यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है वहाँ पे सारा प्रोसेस होगा, और जो भी हमारे कॉम्प्लेक्सेस है वो कहाँ पे लाई करेंगे, इनर मेम्ब्रेन में, बिकॉज इनर मेम्ब्रेन भी क्या है हमारी डबल लेयर, तो वहाँ पे हमारे सारे कॉम्प्लेक्स लाई करेंगे. और यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन की पंपिंग होगी, वो पंपिंग होगी क्योंकि एनर्जी इतना प्रोड्यूस करेंगे ये कॉम्प्लेक्सेस, डेल्टा जी के रोल होता है इसमें एनर्जी का, तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्रेडियंट डेवलप होगा. कैसे, जब वो प्रोटॉन को पंप करेंगे, जब ये प्रोटॉन बाहर पंप हो जाएंगे तो यहाँ पे आयन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, और आयन ग्रेडियंट डेवलपमेंट की वजह से क्या होगा, ATP का सिंथेसिस होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, ATP का सिंथेसिस होगा. तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम ये जो 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं इनकी बात करेंगे. देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज डीलिंग विद द NADH, वो किससे डील कर रहा है, NADH से. और ये इसीलिए इसका नाम क्या है, NADH यूबीक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स. देखिए इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, लाइक होता है ना किसी का एक का गेन दूसरे का लॉस, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, एक कुछ एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, डोनेट करके ऑक्सीडाइज हो रहा है. ये हमारा केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जैसे केमिस्ट्री में होता था H+ का गेन, H+ का लूज, तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. यहाँ पे क्या है, NADH फर्स्ट वन है, यहाँ पे NADH यूबीक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स, इट मीन्स एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसी वजह से इसका नाम है. यहाँ पे क्या हो रहा है, NADH प्लस H पॉजिटिव, इट मीन्स कि प्रोटॉन है यहाँ पे, अल्टीमेटली क्या करेगा, प्रोटॉन को लूज करेगा और क्या बन जाएगा, NAD पॉजिटिव. यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन को कहाँ भेजा जा रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और इसी वजह से यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, जो डेल्टा जी होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है, डेल्टा जी की वजह से प्रोटॉन हमारे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप हो जाते हैं. और इस वाले प्रोसेस में क्या होता है, टोटल 4 प्रोटॉन पंप होते हैं, इसी वजह से अच्छा खासा ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है. और यहाँ पे क्या होता है, जो इसके इसमें क्या क्या चीज़ें कंटेनिंग होता है, इसमें होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN. ओके, ये क्या है, इसका रिएक्शन सेंटर क्या होता है, FES. ये एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है. सबसे पहले आपको जानना होगा व्हाट इज़ द प्रोस्थेटिक ग्रुप. एक्चुअल प्रोस्थेटिक ग्रुप भी क्या होता है, ये एक नॉन प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है. इट मीन्स कि एक ऐसा कोफैक्टर, ऐसा कोएंजाइम जो नॉन प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है, मतलब ये प्रोटीन का नहीं बना होता, बट फॉर द
इनिशिएशन और फॉर द एक्टिविटी ऑफ एनी प्रोटीन इट इज़ रिक्वायर्ड. इट मीन्स कि ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो प्रोटीनेशियस नहीं है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, FMN क्या है, ये विटामिन B2 राइबोफ्लेविन का डेरिवेटिव है, मतलब उससे बना है ये. तो ये क्या हो गया, प्रोटीनेशियस नहीं हुआ, बट इसीलिए क्या कहलाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप. कैसे? बिकॉज ये क्या है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि प्रोटीन का नहीं बना हुआ, बट किसी दूसरे प्रोटीन की एक्टिविटी के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है. ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट कम से कम 5 प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं. आउट ऑफ दिस 5 प्रोस्थेटिक ग्रुप देयर इज FMN. और ये भी क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, एस्टेब्लिश होता है आयन ग्रेडियंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. और ये क्या है, NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेस. और यहाँ पे क्या है, प्रोटोन तो बाहर निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा किसकी तरफ, यूबिक्विनोन. देखिए ये क्या कर रहा है, सेकंड जो कॉम्प्लेक्स है, सेकंड कॉम्प्लेक्स को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, सीधा डायरेक्टली यूबिक्विनोन को दे रहा है. अब हम बात करते हैं सेकंड कॉम्प्लेक्स की. आपको एक चीज़ इस डायग्राम में नोट करनी है, देखिए ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, मेम्ब्रेन के अंदर स्पैन हो रहा है. ओके, इंटर मेम्ब्रेन है, बट ये जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, ये मेम्ब्रेन के अंदर स्पैन नहीं हो रहा, हमें दिख रहा है ये क्या है, मेम्ब्रेन से अटैच नहीं है. ओके, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, इसको ऐसे ड्रॉ करना चाहिए, बट ये रिएक्शन की वजह से मैंने इसको ऐसे कर दिया है. अभी आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, मैं दोबारा बना देती हूँ इसको. देखिए ये क्या है, ये मेम्ब्रेन में स्पैन नहीं है, इट मीन्स कि इंटर मेम्ब्रेन नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे आपको कोई भी प्रोटॉन बाहर निकलता हुआ नहीं दिख रहा है. यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन पंपिंग नहीं हो पा रही, इट मीन्स यहाँ पे सफिशिएंट डेल्टा जी क्रिएट नहीं हो रहा और इतनी एनर्जी नहीं है इसके पास कि प्रोटॉन को पंप कर सके. वन मोर थिंग, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है आपको दिख रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेस, यह है सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स. आप लोगों ने ऑलरेडी सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम के बारे में सुना है, जो कि क्या करता है, सक्सीनेट से फ्यूमेरेट में कन्वर्जन कराता है. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो कहाँ जाता है, यूबिक्विनोन में डायरेक्टली. यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली सेकेंड कॉम्प्लेक्स से कहाँ जा रहा है, यूबिक्विनोन में जा रहा है. और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बाईपास हो रहा है, इट मीन्स कि जो फर्स्ट वाला एंजाइम है या फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड में नहीं आ रहा, डायरेक्टली यूबिक्विनोन में जा रहा है. और सिमिलरली सेकेंड से जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली यूबिक्विनोन में जा रहा है, उसको कोई भी, उसको NADH से कुछ भी लाइक NADH से कोई कनेक्शन नहीं है. यहाँ पे क्या होता है, FAD रिडक्शन किसका होता है, FADH2 से FAD. इट मीन्स FADH2 क्या करता है, अपने 2 प्रोटॉन्स को रिलीज करता है, पर ये प्रोटॉन क्या है, पंप नहीं कर पाता, तभी यहाँ पे क्या है, कोई भी आयन ग्रेडियंट जनरेट नहीं होता है. बिकॉज ये क्या है, ये मेम्ब्रेन में, मतलब इंटर मेम्ब्रेन नहीं है, ये मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, इनसाइड प्रेजेंट है. ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूबिक्विनोन. यूबिक्विनोन क्या है, यूबिक्विनोन होता है, इसको हम क्यू से डिनोमिनेट करते हैं, ये हमारा क्या है, मोबाइल कैरियर है. देखिए आपको मोबाइल कैरियर से मीन्स क्या है, मूव कर सकता है, मूवेबल है. ये क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, इट मीन्स कि ये लिपिड बाउंड होता है, ये जो लिपिड बाइलेयर है उसके इनसाइड है, पर ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, फ्री है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है. इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मोबाइल कैरियर. ओके, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है. यहाँ से क्या होता है, ये जो यूबिक्विनोन है, इसने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 से भी ले लिया और कॉम्प्लेक्स 1 से भी ले लिया, तो ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 से लेके अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, जो कॉम्प्लेक्स 3 है वहाँ के साइटोक्रोम सी में. एक्चुअली साइटोक्रोम सी क्या है, वो कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करेगा. यहाँ पे क्या होगा, वो है ना कॉम्प्लेक्स 3 एंड यूबिक्विनोन क्यू से लेके साइटोक्रोम सी, फिर साइटोक्रोम सी है जो अल्टीमेटली अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ पास कर देगा, कॉम्प्लेक्स 4 में. ओके, तो यहाँ पे जो साइटोक्रोम सी है वो क्या है, कनेक्टिंग लिंक है. और कई बार क्या होता है, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4 इनकी आपस में कपलिंग हो जाती है, जबकि ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 को छोड़ देते हैं. क्यों? देखिए कॉम्प्लेक्स 2 में क्या है, या एक तो ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, दूसरा ये इसको अपने कॉम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली FADH2 को मिल जाते हैं, इसको यहाँ पे NADH2 से या NADH से कुछ भी नहीं लेना पड़ता. तो क्या होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 की क्या हो जाती है, कपलिंग हो जाती है. यहाँ पे देखिए साइटोक्रोम सी है, अब साइटोक्रोम सी के पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, कहाँ से आए हैं, यूबिक्विनोन से. ओके, तो साइटोक्रोम सी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ ट्रांसफर करेगा, कॉम्प्लेक्स 4 में. पहले थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स 3 की बात कर लेते हैं, ये क्या कहलाता है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स. ओके, ये क्या होता है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, जैसे सबके हमने नाम देखे हैं तो इसको ये कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है. इसमें क्या होता है, रिस्क सेंटर होता है, ये क्या कंटेनिंग होता है, 2 आयरन 2 सल्फर का कॉम्प्लेक्स. ओके, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है वो कैसे चलता है,
ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे क्या, ये हमारा क्या हुआ, रिएक्शन सेंटर हुआ, ओके। और यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, हीम होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, हीम, सिंगल एक हीम ग्रुप होता है। ये जो हीम ग्रुप है ये हीमोग्लोबिन जैसा ही होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, जो हीमोग्लोबिन है वो क्या होता है, ऑक्सीजन का कैरियर होता है। यहाँ पे ये क्या है, आयरन का है, इसका हमें पता है हीम में क्या होता है, आयरन होता है, तो बट ये ऑक्सीजन से एसोसिएट नहीं होता। यहाँ पे हमें पता है कॉम्प्लेक्स थ्री क्या है, ऑक्सीजन का कैरियर नहीं होता। यहाँ पे जो आयरन है वो क्या होता है, कभी रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाता है, कभी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आता रहता है। वो डिपेंड करता है कि वो कभी प्रोटॉन ले रहा है या प्रोटॉन लीव कर रहा है, ओके। तो ये बहुत कंडीशंस में जो हमारा आयरन है वो क्या है, बहुत कंडीशंस में एग्जिस्ट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो प्रोटॉन का गेन हो रहा है या प्रोटॉन का लॉस हो रहा है। जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है ये डायरेक्शन, मतलब जो रिएक्शन है दोनों डायरेक्शन में मूव हो सकती है, ओके। और ये जो हमारा हीम है वो क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और यहाँ पे सिंगल हीम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं ग्रुप फोर्थ में। देखिए ग्रुप फोर में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे साइटोक्रोम ए है, साइटोक्रोम सी ए थ्री है। इट मीन्स कि जो इसके पास साइटोक्रोम प्रोटीन्स है वो कौन कौन सी है, साइटोक्रोम सी, बिकॉज ये सी से एसोसिएटेड है ए एंड ए थ्री। यहाँ पे क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम एक था, यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होंगे, दो हीम ग्रुप होंगे। क्यों, एक ए के लिए होगा, ए के लिए, और एक ए थ्री के लिए होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हीम टू ग्रुप होंगे और थ्री कॉपर आयंस। कॉपर आयंस कितने होंगे, थ्री कॉपर आयंस होंगे, कॉपर ए, कॉपर बी, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे कॉपर होगा, ओके। और यहाँ पे जो साइटोक्रोम होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है होल्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिटवीन आयरन एंड कॉपर। बिकॉज हमें पता है हीम ग्रुप है, हीम ग्रुप है, तो वहाँ पे क्या होगा, आयरन, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, थ्री कॉपर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। तो जो साइटोक्रोम होता है इसका काम क्या होता है, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसको पकड़ के रखना, लाइक जब तक कि वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज ना हो जाए, ओके। वो आयरन और कॉपर के बीच में इसको पकड़ के रखना जब तक कि वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज ना हो जाए और वाटर ना बन जाए, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, वाटर बनना है। इस प्रोसेस में भी क्या होता है, टू प्रोटॉन्स, टू एच प्लस हमारे रिलीज होते हैं इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इसके बाद ये तो हमारा फोर्थ कॉम्प्लेक्स की बात थी, अब हम बात करते हैं फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होता है, एटीपी सिंथेस, ओके। एटीपी सिंथेस में क्या होता है, एनर्जी रिलेटेड टू प्रोटोन ग्रेडियंट इज यूटिलाइज फॉर द एटीपी प्रोडक्शन थ्रू कॉम्प्लेक्स फाइव। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है दैट इज एटीपी सिंथेस, वहाँ पे क्या होता है, एटीपी का जनरेशन होता है, और वहाँ पे ये जो ग्रेडियंट है, जो ये प्रोटोन ग्रेडियंट है, उसको यूटिलाइज किया जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, वहाँ पे एटीपी का सिंथेसाइज होता है, ओके। देखिए यहाँ पे हमें ये था 1, 2, 3, 4, 5 कॉम्प्लेक्सेस, और ये जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स था इसमें क्या था, ये हमें पता है FADH2 से FAD बनना, और ये जो हमारा सीधा है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये FADH2 कहाँ से आ रहा है, ये बीटा ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस था वो फैटी एसिड, और उसमें जो फर्स्ट स्टेप था जहाँ पे हमने पढ़ा था, लाइक एच जो बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाता है, वहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन का, हाइड्रोजन का प्रोटोन का लूज होता है, वो वहाँ उस वाले स्टेप पे क्या था, FADH2 बन रहा था हमारा, तो वहीं से ये FADH2 इसमें इन्वॉल्व होकर ATC में इन्वॉल्व होकर क्या रोल प्ले कर रहा है, ATP सिंथेसिस में रोल प्ले कर रहा है, ओके। ये जो पूरा प्रोसेस था एक ओवरव्यू था रिगार्डिंग द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये जो इसका ओवरव्यू है वो समझ आया होगा, और इसका जो फुल लेक्चर है वो उसको जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।